बुधवार की अष्टमी साल में कभी कभी ही हम सभी को प्राप्त होती है और गुरुजी द्वारा बताया गया बुधवार की अष्टमी के सर्वश्रेष्ठ उपाय वीडियो में जानेंगे। साथ ही घर पर रखी हुई इलायची का भी आपको श्रेष्ठ उपाय अपने घर के मंदिर में जरूर से करना है, ऐसी मान्यता है। इससे रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता, विवाह, पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है और हमेशा ही खुशियाँ परिवार में बनी रहती हैं। आप सभी में से घर के जितने भी सदस्य हैं, कोई एक व्यक्ति इन उपायों को कर लीजिएगा, आप अपने जीवन में परिवर्तन स्वतः ही देखेंगे। कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए वीडियो में। सबसे पहला सरल उपाय आपको बताना चाहूंगी, उसके पश्चात अन्य उपाय आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिए आप सभी को उपाय कैसे करना है। सबसे पहला उपाय खासतौर पर जीवन में हर कामना की सिद्धि के लिए है। अगर आपके पास दुर्वा है तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो शिव पर चढ़ी हुई आप दुर्वा घास ले सकते हैं। बुधवार के दिन इसकी महत्वता बहुत अधिक है। दुर्वा घास आप सभी जानते होंगे, कहीं भी आपको प्राप्त हो जाएगी। दुब घास मात्र एक लेनी है और एक लेनी है आपको बेलपत्र। गुरु जी कहते हैं मात्र बुधवार की अष्टमी के दिन ही यह उपाय किया जाता है। मात्र एक बेलपत्र, एक दुर्वा आपको लेनी है। एक जल का लोटा और गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर या तो महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। मुख करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री गणेशाय नमः, इन सरल से मंत्रों का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को सबसे पहले जो एक दुर्वा और एक बेलपत्र आप ले गए हैं ना बुधवार अष्टमी के भाव से, आपको सबसे पहले यह दुर्वा जो है आवश्यक रूप से जो नंदी महाराज है ना उनका जो मस्तक है गुरु जी कहते हैं उस पर स्पर्श कराना है। उसके बाद आपको यही दुर्वा माता रानी के हस्त कमल पर स्पर्श करानी है। मात्र इन दो स्थानों पर स्पर्श कराने के बाद आप सभी को यह मात्र एक दुर्वा में से बेलपत्र तो शिव पर चढ़ा देनी है और मात्र एक दुर्वा आपको श्री गणेश जी महाराज के स्थान पर समर्पित कर देनी है। कोई पैसा समय लगना नहीं है, मात्र एक दुर्वा और एक बेलपत्र की आवश्यकता है। नंदी जी को स्पर्श कराकर, माता रानी के हस्त कमल पर स्पर्श कराकर बेलपत्र शिव पर चढ़ानी है और दुर्वा गणेश जी के स्थान पर आपको समर्पित कर देनी है। जल का लोटा और दीपदान इत्यादि आप समर्पण की भावना से साधारण सरल तरीके से करें, आपके कार्य बनेंगे, रोग कष्ट मुक्ति होगी और जीवन में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। धन लक्ष्मी के स्वरूप में भी यह महामंत्र और मूल मंत्र जो है उपाय स्वरूप में कहा गया है। तो एक बार एक दुर्वा एक बेलपत्र का सरल सा उपाय आप करके देखिएगा, मात्र स्पर्श कराना है और समर्पित करना है, कोई पैसा समय लगना नहीं है और लाभ अनगिनत है। तो हमने बात कर ली प्रथम सरल से उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। गुरु जी कहते हैं इलायची माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं और माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के दाता। तो मात्र आप सभी को दो की संख्या में इलायची लेनी है और गुड़ का एक टुकड़ा लेना है। गुड़ जीवन में मिठास घोलता है, कष्ट काटता है, संकट पीड़ा का भी निदान करता है, तो वही गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। और साथ के साथ इलायची आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी गणेश जी महाराज विराजमान है या गणेश जी महाराज के मंदिर में जाकर आप सभी को आवश्यक रूप से अपनी मनोकामना कहकर सबसे पहले एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। घी का दीपक लगाएंगे तो गणेश जी महाराज से अपनी मन की बात कहें कि हे गणेश जी महाराज, मेरे परिवार में श्री गणेश हो, सभी कार्यों का दुख दरिद्रता का नाश हो, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है, तत्पश्चात संभव हो तो गणेश जी महाराज को दुर्वा यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ भी समर्पित करें, शुभ ही शुभ इसे माना जाता है, ऐसी मान्यता है। इससे जो है प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति होती है, कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान होता है। तत्पश्चात आप गुड़ का टुकड़ा या जो है साथ में दो इलायची का जोड़ा या तो शिव मंदिर या घर के मंदिर, गणेश जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा विराजमान हो ऐसा मंदिर आपको चुनना है। घर के मंदिर में भी ऐसे ही जो है गणेश जी की प्रतिमा फोटो जो है उसमें पूजा करनी है। यह नहीं कि आप सभी जो शिव जी का शिवलिंग में स्थान होता है ना, जो गुरु जी ने बताया है माता अशोक सुंदरी गणेश, उसमें नहीं करना है यह उपाय, गणेश जी की मूर्ति में उपाय करना है। तो सुनिएगा, तो आप सभी को अपने घर के मंदिर में गणेश जी के सामने भोग लगाना है, आवश्यक रूप से दो इलायची और गुड़ के टुकड़े का, ठीक है। दो इलायची जो कि रिद्धि सिद्धि के स्वरूप में है और आवश्यक रूप से गुड़ का टुकड़ा भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर गणेश जी महाराज को बुधवार की अष्टमी के दिन जो भी गुड़ के टुकड़े का और इलायची का भोग लगा देता है और भोग लगाने के बाद एक दो घंटे के बाद इस
गुड़ के टुकड़े और इलायची को गौ माता को खिला देता है ना, अपनी मनोकामना कहते हुए दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसकी मनोकामना पूर्ण ना करें। तो दूसरा उपाय आपको इलायची और गुड़ के टुकड़े का करके देखना है। चाहें तो प्रथम वाला दुर्वा और एक बेलपत्र वाला उपाय करें, चाहें तो गुड़ और इलायची का उपाय करें, इच्छा आपकी है। तो इस तरह से यह दो उपाय हैं। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी अपने आप में अद्भुत है। बैसाख का पावन पवित्र महीना है और बुधवार की अष्टमी है। जीवन की रेखाओं को भाग्य जो है बदलने की रेखाओं को इस दिन माना जाता है। तो आप सभी को 108 चावल के दाने लेने हैं तीसरे उपाय को करने के लिए। हालांकि मैंने इससे पहले भी आप सभी को बुधवार की अष्टमी का हरे मूंग और गुड़ के टुकड़े का उपाय बतलाया है, जो कि मैंने वीडियो में करके दिखाया है। कृपया आप सभी उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। आप सभी को आवश्यक रूप से जो है वह 108 चावल के दाने लेने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शिवलिंग पर आवश्यक रूप से जो आप 108 चावल के दाने ले गए हैं, या गुरुजी कहते हैं 108 हरे मूंग के दाने, क्योंकि इस दिन हरे मूंग की महत्वता है, आपकी इच्छा है आप 108 चावल के दाने ले जाएं, 8 या 108 हरे मूंग ले जाएं, आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपका यह कार्य जो भी जिस मनोती के तहत आपने 108 चावल के दाने या हरा मूंग शिवलिंग पर चढ़ाया है वह काम होगा जी। कोई काम ऐसा है ही नहीं जो मनोकामना कहते हुए किया जाए और पूर्ण ना हो। तो इस तरह आपको तीसरा उपाय करना है। यह भी उपाय बहुत सरल है। चौथा उपाय अपने आप में अद्भुत है। नंदीश्वर महादेव अर्थात नंदी बाबा घर के आसपास तो घूमते ही हैं। आप सभी को अगर नहीं घूमते हुए दिखाई देते हैं तो किसी गौशाला में जाकर, खास तौर पर जो प्रतियोगी परीक्षा ट्रांसफर के लिए परेशान है, विवाह की अड़चनों से जूझ रहे हैं, उन्हें तो यह उपाय करना ही चाहिए। अगर वह नहीं कर सकते तो माताएं उनके लिए कर देखिएगा, लाभ आपको होगा। आपको एक मुट्ठी भरकर या एक कटोरी भरकर हरा मूंग ले लेना चाहिए। साथ के साथ आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। अपने बच्चे के हाथ से या उसका नाम गोत्र बोलकर या स्पर्श कराकर आपको नंदीश्वर महादेव का ध्यान करकर नंदी बाबा को आवश्यक रूप से हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा बुधवार की अष्टमी के दिन खिला देने से आपके बच्चे के सब काम बनेंगे, संकट कटेंगे, पीड़ा का निदान होगा, दुख दरिद्रता का अंत होगा, पति के भाग्योदय होगा और संकट सदा सर्वदा के लिए हटेंगे। तो इस तरह से आपको यह कार्य करने हैं। साथ के साथ अगर आपसे संभव हो तो बुधवार की अष्टमी के दिन आप विशेष तौर पर जल का दान करें, क्योंकि बैसाख का महीना है। इस महीने जल दान, अन्न दान और आवश्यक रूप से दीप दान की महत्वता कही गई है। संभव हो तो इन कार्य को करने का आप सभी जितना हो संभव प्रयत्न करने का प्रयत्न करें। जितना होगा महादेव की कृपा परिवार पर रहेगी। सुंदर महादेव का श्रृंगार करें, गणेश जी महाराज पर दुर्वा ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाएं, उनके निमित्त यज्ञोपवीत सुपाड़ी मोदक इत्यादि का भोग लगाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा।